हमारे साथ आज बैठे हैं रशपाल वर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने इनको कई बार बड़ी जिम्मेवारी देकर विभिन्न जगहों पर भेजा है। वर्तमान में इनको गगवाल ब्लॉक और रायपुरा ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है जिला परिषद के चुनावों के लिए। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं जिला परिषद के चुनावों को लेकर। रशपाल जी, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं प्रदेश के अंदर पहली बार और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सारी टीम को ये श्रेय जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब से ड्यूटी बनी है तो पंचायती राज व्यवस्था को, जो थ्री टायर व्यवस्था है, उसको लागू करने में भाजपा ने जो फायदा किया था लोगों के साथ, वो पूरा करने जा रहे हैं। उसके बावजूद जो चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको काफ़ी रोष का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के रोष का, क्या वजह है उसकी? धन्यवाद गोपाल जी। मैं गगवाल ब्लॉक में जो हमारी 9 पंचायतें हैं तो हमने कोशिश की है कि हम डोर टू डोर गए हैं और डोर टू डोर जाने से फ़ायदा हमें मिला है और जो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनका कोई रोष नहीं है। मैंने देखा है, सब ने यही कहा है कि हम वोट जो है वो मोदी जी को डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे। जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए, हम सब के लिए काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है और जो अभी जो कोरोना महामारी जो 8 महीने से लगातार चल रही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने काम किया है, लोग कहते हैं कि हम मोदी जी के बड़े बड़े वारी हैं और उन्हीं को देखकर हम जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने गरीबों, महिलाओं के उत्थान के लिए जो लाभार्थी योजनाएं चलाई हैं, क्या भाजपा का जो आम कार्यकर्ता है लोगों तक उन स्कीमों को, उन योजनाओं को पहुंचाने में सफल रहा है? होता क्या है कि कार्यकर्ता तो काम करता ही करता है और कार्यकर्ता ने बड़ा काम किया। बेसिकली कोरोना के अंदर भी जो हमारा कार्यकर्ता था और हमारे कार्यकर्ता ही लोगों में रहा, चाहे वो किसी भी बात के लिए, किसी का हेल्प के लिए, किसी को आगे पीछे ले जाने के लिए, और जो काम हमने किया कोरोना के अंदर मुझे लगता है वो किसी ने नहीं किया। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो सेंटर ने स्कीमें हमें दी हैं वो डिपार्टमेंट ने पहुंचाई है, हमारे डिपार्टमेंटों ने उनके कैंप्स वगैरह लगाए हैं, लोगों को अवेयर किया है और उनके साथ हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ होते थे और लोगों को वो ग्राउंड पर पहुंची हैं स्कीमें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पेंशन की योजना थी, पहले जो हमारा पेंशन मिलता था, पहले 150, 200 या 400 रुपये पेंशन मिलती, आज 1000 पेंशन मिल रही है और 12000 लोगों को बिना किसी एफर्ट्स के उनके खाते में जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों के खाते में 6000 रुपये जा रहा है तो एक बंदे के खाते में 18000 साल का जा रहा है। अगर दो बंदों के घर में, उनके घर में पेंशन लगी है तो 30000 उनके खाते में जा रहा है। उसके साथ एक ऐड और हम करें, ये जो हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस है 5 लाख प्रति परिवार को जो उन्होंने दिया, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार ने आज तक वो उन्हें सब लोगों को दिया, चाहे वो गरीब है, अमीर है, इम्प्लाई है, तो मुझे लगता है कि किसी सरकार ने 70 साल में जो लोगों के लिए काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी ने किया। इसके बावजूद जो युवा वर्ग है, खासकर ये जो छात्र हैं, उनमें जो इंटरनेट की 4G पे 4G पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है स्टेट के अंदर, उसको लेकर पढ़े लिखे युवाओं में बहुत रोष है, तो खास और दूसरा जो टोल प्लाजा और तीसरा जो रोशनी एक्ट के अंदर जो नई जो व्यवस्था की जा रही है, हीरानगर सेक्टर में ग्रामीणों को, सीमांत ग्रामीणों को आज नोटिस जारी कर दिए गए कि वो अपनी ज़मीनें खाली करें, इन 3 मुद्दों पे को लेकर लोगों में बीजेपी के खिलाफ खासकर बहुत रोष है, तो इन पे आप रोशनी एक्ट की बात करूँगा। रोशनी एक्ट का जो मसला है वो बीजेपी सरकार का मसला नहीं है, मोदी का सरकार का मसला है, जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी का उसका मसला नहीं, वो तो कोर्ट ने फैसला लिया है। किसी ने वो कोई रमन बल्ला के खिलाफ एक वो लगाई थी, पीएल लगाई थी,
तो उसके खिलाफ था, तो वो पूरे जम्मू कश्मीर में लेकिन इसमें बीजेपी के कोई कुछ, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता ने रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीन नहीं देखो ली? वो लिस्टें आ रही है, जो भी होगा वो अभी तक लिस्ट में किसी भी बीजेपी के नेता का नाम वो कागजों में है, कोई ऐसे हवा में तो कोई काम है नहीं। वो जिस बंदे का नाम है वो पेपरों में आ रहा है, आप देख रहे हैं हर पेपर में। अच्छा, हर आपको रायपुरा और गढ़वाल ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया, आप इसमें दोनों ब्लॉकों में आपकी क्या स्थिति? हम दोनों जो सीटें आराम से जीतेंगे, हमारे दोनों कैंडिडेट, जो उधर हमारी आशा रानी जी है वो तो बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, और जो हमारा फल्ली जी है सुरेश कुमार फल्ली जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और घर घर जाके वोट मांगे हैं, और उनको वोटर मांगने का बड़ा सलीका है, तरीका है। और मुझे लगता है जो मेरी माताओं बहनों और लोगों ने जो मन बनाया कि मोदी जी को वोट डालना है, मुझे लगता है कि हम 7,000 वोट लेंगे, और मुझे लगता है जो हमारे बाकी जो कोई आजाद है या कांग्रेस है वो हमारे कहीं पास पास भी नहीं करते। अशपाल जी, एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक व्यक्तिगत सवाल, इन चुनावों में आप क्यों नहीं उतरे? मैं इसलिए नहीं उतरा कि मैं पहले जब हमारी सरकार थी तो मुझे पार्टी ने मौका दिया MOS बनने का, वाइस चेयरमैन बना मैं, उसके बाद मुझे उन्होंने स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया अपने ODC मोर्चा का। तो अब मैं इधर उतरता तो जो बाकी कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? इसके बाद असेंबली का इलेक्शन आने वाला, फिर मैं कहूँगा अब मैंने इधर इलेक्शन लड़ना, तो बीच वाले कार्यकर्ता क्या करें? हर जगह मैं ही क्यों? मेरा मानना है कि कार्यकर्ता को भी चांस मिलना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है रशपाल जी के इस बयान से, ये संदेश आता है कि जो लोग चेयरमैन बने हुए हैं BDC के, वो भी इन चुनावों में उतरे हुए हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि जो अन्य लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए। मैंने देखा दो दो लोग ऐसे हैं जो चेयरमैन हैं BDC के और इन चुनावों में उतरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से बाकी जो कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करता है। इसी सब के साथ रशपाल वर्मा जी ने अपने विचार पेश किए, धन्यवाद। सद्गुरु मेडिकोस, डॉक्टर रितेश ऑर्थो स्पेशलिस्ट, एवरी संडे 11 AM to 3 PM, Sadhguru Medicos, near district, Hospital Samba. Dr. Nitika Bali Sharma, MBBS DGO, Gynecologist Lady Doctor, every Monday and Thursday, appointment number 84920939888.